सबको प्यार भरा नमस्कार स्वीकार। आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाती हूँ। एक सेठ जी थे, तो सेठ जी कहीं जा रहे थे, रास्ते में उनका बटुआ गिर गया। अब बटुए में लाखों रुपए थे, उसके अलावा उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड सब उन्होंने अपना उसमें रखा हुआ था। जब घर आए देखा बटुआ ही नहीं, अब तो सेठ जी के होश गुम। क्या करूं, पसीने पसीने होने लगे। तो कहते कोई सहारा नहीं होता तो हमेशा ऊपर वाला याद आता है। पूरी स्पीड से भगे बंदे, जाके हाथ जोड़कर प्रभु के आगे खड़े हो गए। हे प्रभु, मेरा बटुआ वापस दिला दो, मेरा बटुआ खो गया। मैं सच कहता हूँ, बटुआ मिलेगा तो मैं आपको प्रसाद चढ़ाऊंगा, मैं गरीबों को भोजन कराऊंगा। और आंखों से अविरल आंसू बह रहे थे। उसी समय क्या हुआ, कोई व्यक्ति आया मंदिर में, वो उनको देखने लगा और सेठ जी अपने घर चले गए। वो व्यक्ति जो था उसी को बटुआ मिला था, वो उसके पीछे पीछे चल पड़ा। उसने देखा उसका सेठ जी का नाम लिखा हुआ था और आधार कार्ड पैन कार्ड वगैरह रखा हुआ था, उसको घर ढूंढने में परेशानी नहीं हुई। दरवाजा खटखटाया और उन्होंने दरवाजा खोला तो कहा, सेठ जी ये आपका बटुआ। सेठ जी के जैसे जान में जान आई, उन्होंने तुरंत बटुआ खोला, देखा सारे पैसे पूरे रखे थे। उन्होंने कागजात अपने चेक किए, सारे कागजात उसमें रखे थे, कार्ड वगैरह चेक किया, वो भी मौजूद। ऐसा लगता था जैसे उस व्यक्ति ने उस बटुए को खोला ही ना हो। अब सेठ जी बड़े प्रसन्न हो गए, उन्होंने उसमें से कुछ रुपये निकाल के उसको देना चाहा। उसने कहा नहीं, मुझे नहीं चाहिए, और वो वहां से जाने लगा। तो सेठ जी ने कहा, अच्छा आप कल जरूर आना मेरे घर। अगले दिन वो जो बेरोजगार व्यक्ति था जिसको बटुआ मिला था, वो सेठ जी के घर पहुंचा। सेठ जी ने उसकी खूब खातिरदारी की, खूब खिलाया पिलाया और वो वापस जाने लगा। जाते उन्होंने हाथ जोड़ा, अच्छा सेठ जी मैं चलता, ठीक है जाओ। तो सेठ जी ने अपनी पत्नी से कहा कि ये व्यक्ति इतना मूर्ख है जिसका कोई जवाब नहीं। मैं तो इसको 100 रुपये इनाम के तौर पर देना चाहता था, लेकिन ये बिना कुछ लिए खाए पिए ही खा पी करे संतुष्ट होकर चला गया। तो उनकी पत्नी ने कहा, मूर्ख वो नहीं है, मूर्ख आप हैं। उसने क्या किया, ईमानदारी के साथ आपका बटुआ लौटा दिया और ईश्वर ने आपको भी अवसर दिया, ईश्वर ने उसको भी अवसर दिया और आपको भी अवसर दिया। वो तो पास हो गया लेकिन आप फेल हो गए। वो बेरोजगार होते हुए भी आपको पूरा पैसा लौटा गया, चाहता तो पूरा पैसा रख लेता, देता ही नहीं, आप क्या कर लेते। ईश्वर ने आपको एक अच्छा काम करने का अवसर प्रदान किया था, उसने तो उसका लाभ उठाया, लेकिन आप चूक गए। सेठ जी बोले, अच्छा फिर मुझे क्या करना चाहिए। तो उनकी पत्नी सिधानी जी ने कहा कि जाओ, जाकर उस व्यक्ति को ढूंढो और उसको ढूंढकर यथोचित उसको इनाम दो। अरे ऐसे विश्वासपात्र ईमानदार व्यक्ति कहाँ मिलते हैं, उसको अपने आप नौकरी पर रख लो। सेठ जी को अपनी पत्नी की बात बहुत जची, बिल्कुल सही कह रही है। अब सेठ ने अपने कर्मचारियों को लगा दिया कि भाई उस व्यक्ति को ढूंढो, खुद भी ढूंढने लगे। संयोग की बात, एक दिन बाजार में एक सेठ जी क्या वो व्यक्ति काम करता हुआ मिल गया। जब वो वहां काम करता हुआ मिला, सेठ जी तुरंत दौड़ के गए और उस सेठ से जिसकी दुकान में काम कर रहा था उसको किस्सा सुनाने लगे। भाई ये व्यक्ति इतना ईमानदार है, इसको मेरा बटुआ मिला, ये पूरा लाखों रुपए लौटा गया, सारे कागजात लौटा गया, इसने कुछ नहीं लिया। तो उस सेठ ने कहा कि आप मुझे घटना पर बताइए, इस व्यक्ति ने मेरे सामने ही वो पैसों से भरा हुआ बटुआ उठाया था। जब उसने बटुआ उठाया, मैं तुरंत सिक्योरिटी गार्ड को लेकर इसके पीछे पीछे चला और मैंने देखा ये तो आपके घर की तरफ जा रहा है। फिर मैं चुपचाप वहीं खड़ा हो गया। मैंने इस युवक की और आपकी बातचीत सुनी, मैं इसकी ईमानदारी से इतना अधिक प्रभावित हुआ कि मैंने इसको अपने आप मुनीम के तौर पर रख लिया। अब मैं दुकान में रहूं चाहे ना रहूं, बिल्कुल निश्चिंत होकर इसके भरोसे दुकान छोड़कर चला जाता हूं। तो मुझे ईश्वर ने एक अनमोल उपहार दिया। कहते हैं कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, एन ऑनेस्ट मैन इज द नोबल प्राइज ऑफ गॉड। ईमानदार व्यक्ति ईश्वर का दिया हुआ अनुपम उपहार है। अब तो सेठ जी क्या करें, क्योंकि दूसरे सेठ ने तो उसको अपने आप
नौकरी पर रख लिया था, फिर घर पहुंचे तो अपनी पत्नी सारी बात बताई। पत्नी ने कहा कि हमारे सामने कई विकल्प होते हैं, विकल्प होना तो अच्छी बात है लेकिन विकल्प पर लगातार विचार करते ही रह जाना ये बुरी बात है। तो ईश्वर सबको जीवन में एक अवसर देता है अपने आप को साबित करने का। कई लोग पास जाते हैं, कई लोग फेल होते हैं। हम आपको अपनी बात बताते हैं, 1998 की बात है, मैं जब फर्स्ट प्राइमरी स्कूल कानपुर में वहाँ पर मैं पढ़ाती थी, तो जो मेरी प्रिंसिपल थी मिसेस सरिता इनामदार महाराष्ट्र की थी, बड़ी बढ़िया लेडी थी, तो अपना फीस उन्होंने स्कूल का कलेक्ट किया और रखकर भूल गई। अब भाई बड़े आदमी उनके लिए पैसा कोई मायने नहीं रखता, पोस्टिंग जाने लगी। बोले कुसुम सब कुछ तुम्हें सौंप के जा रही हूँ, जब तक दूसरी प्रिंसिपल नहीं आती आप रख देखना। अच्छा मैंने अलमारी की सफाई करनी शुरू कर दी, सफाई मेरा बहुत शौक है, बहुत प्रिय शौक है, चाहे घर हो चाहे स्कूल हो कहीं भी रहती तो साफ सुथरा रहना ही पसंद करती हूँ। अच्छा उसमें मैंने देखा एक पैकेट ब्राउन कलर का और उस पर शगुफा प्राइमरी स्कूल लिखा हुआ और उसमें पैसे भरे हुए थे। मैंने तुरंत मैडम को फ़ोन किया, मैडम आप प्लीज़ स्कूल आ जाइए। तो वो स्कूल आई, क्या हुआ पसंद? मैंने मैडम इसमें 6,000 रुपये है, उस समय मेरी तनख्वाह केवल 500 रुपये थी। वो बोले कि इट मे पॉसिबल दैट इज योर मनी। मैंने नहीं मैडम मेरी तनख्वाह ही केवल 500 रुपये, मैं 6,000 रुपये कहाँ से लाऊंगी। उन्होंने कहा तुम रख लो। मैंने नहीं मैडम मैं रखूंगी नहीं, यही मुझे आशीर्वाद दो कि मेरी कमाई में बरकत होती रहे, मुझे ये 6,000 नहीं चाहिए। कहाँ 500 की नौकरी करी थी, कहाँ 6,000 रुपये मिले थे। मैडम मुझे ऐसे आंखें फाड़ फाड़ देखती रही, 5 मिनट देखती रही कि कुसुम के पास इस समय कितनी जिम्मेदारियाँ, दो दो बच्चे इसके पढ़ रहे हैं, तो बच्चे भी छोटे थे, शायद बेटी 8th या 9th क्लास में पढ़ रही थी, बेटा भी शायद 1st या 2nd ऐसे कुछ था। वो मुझे अपने एक्सपीरियंस में हमारे पर्सनल रजिस्टर उसमें लिखी गई दैट कुसुम इज ए गिफ्ट फॉर दिस स्कूल, बहुत अच्छी लड़की है, बहुत कुछ उन्होंने लिखा, जो आता वो मुझसे पहले प्रभावित हो जाता। और वो पैसा मैंने ईमानदारी से उनको लौटा दिया। आज करीब 20-25 साल बाद मैं देखा कि ममता भी देखो गवर्नमेंट जॉब में निकल गई, दोनों बच्चे चरित्रवान हैं, बिना पिता के से बच्चे बिगड़ जाते हैं, पति बाहर रहते हैं, लेकिन दोनों ही इतने अच्छे निकले जिसका कोई जवाब नहीं। तो ईमानदारी इससे किया हुआ कार्य भले ही देर फल देता है लेकिन देता जरूर है। और मान लो उस पैसे को मैं रख लेती, हो सकता है 1 साल 2 साल 3 साल आराम से ज़िंदगी कटती, लेकिन मेरे मन में हमेशा ये रहता कि मैंने बच्चों की फीस मारी, मैंने अपने प्रिंसिपल साथ विश्वासघात किया, मैं अच्छी इंसान नहीं हूँ। लेकिन आज ईश्वर ने मुझे इतना सुख दिया, इतनी खुशियाँ दी, ईश्वर न करे कभी उन खुशियों को नजर लगे, कभी सोचा ही नहीं था मैं अपना घर बना पाऊंगी। आज बहुत शानदार मेरा घर है, 5 कमरे हैं, 2 किचन है, लैट्रिन बाथरूम, बहुत बड़ा सा बगीचा वगैरह है, बच्चे भी संस्कारी निकले, पढ़ने में अच्छे निकले। तो उस ईश्वर का शुक्रिया अदा करो कि वो हमें एक अच्छा कार्य करने का अवसर देता। आप लोगों के जीवन में भी जब जब ऐसा अवसर आए चूको मत, जहाँ तक हो सके किसी की भलाई करते चलो। तो आज की कहानी आपको कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख बताना। और हाँ आप लोग को भी एक साथ ऐसा अवसर आया हो, आप लोग के साथ भी ऐसा हुआ हो, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, मैं उस पर भी कहानी जो बनाने का प्रयास करूँगी, वीडियो बना करके डालने का प्रयास करूँगी। अच्छा भाई इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं अपनी वाणी विराम देती हूँ। आप सबका दिन मंगलमय हो, सबका जीवन खुशियों से भरपूर रहे, सबको टाटा बाय बाय।